सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक डैम्पास इन्वर्टर के कुछ कनेक्शन दिखाने वाला हूँ। ये असल में एक वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव है 55 किलोवाट का, और आपको इसका इंटरनली कुछ सर्किट दिखा दूँ। यहाँ पर यह इंटरनली सर्किट है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले के लिए केबल गई है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ कनेक्शंस नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन में एक वॉल्यूम लगा हुआ है जिससे हम स्पीड को वेरिएबल कर सकते हैं, और इस तरह फॉरवर्ड रिवर्स के लिए कुछ कनेक्शंस है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक वायर्स, ये आपको इनपुट सप्लाई है और यहाँ से आउटपुट सप्लाई, फिर आउटपुट जाती है मोटर को। दो सॉकेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, एक इनपुट के लिए है, एक आउटपुट के लिए। यहाँ पर आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है, और इस तरह ऑपरेटिंग स्विचेस है, सेटअप स्विचेस के लिए है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कनेक्शन आ चुके हैं ये हमारे इनपुट सप्लाई है इन्वर्टर को, और ये आउटपुट सप्लाई है। यहाँ पर दो सॉकेट्स लगे हुए हैं तो यहाँ से आप आउटपुट सप्लाई ले सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बड़े मोटर के लिए है, और इस तरह इस पैनल बोर्ड में एक छोटा इन्वर्टर लगेगा और इस इन्वर्टर के लिए छोटा सॉकेट इस्तेमाल होगा। तो असल में ये दो मोटर को वेरिएबल स्पीड में चलाने के लिए एक पोर्टेबल पैनल बोर्ड है। अगर आप देखेंगे तो ये एक पोर्टेबल है क्योंकि इसमें टायर लगे हुए हैं, और ये अच्छी तरह से आप किसी भी जगह पर मूव कर सकते हो, तो इसलिए इसमें ये सॉकेट्स लगे हुए हैं मेल फीमेल। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो स्विचेस है, एक फॉरवर्ड के लिए है, एक रिवर्स के लिए है, और इस तरह एक इमरजेंसी स्विच है। ऊपर आपको एक सेलेक्टर स्विच नज़र आएगा, ये फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए है, और इस तरह एक सेलेक्टर स्विच है, इस तरह इसके लिए ऑन ऑफ स्विच है, तो इससे भी फॉरवर्ड रिवर्स हम करेंगे। अंदर अगर आप देखेंगे तो इसी यहाँ पर एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, इस तरह ये दो हमने यहाँ पर लगाने हैं फॉरवर्ड रिवर्स को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर हम पाइंडर रिली का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारे पास एक डैम्पास कंपनी का एक इन्वर्टर या एक पैनल बोर्ड जिसमें हमने इन्वर्टर लगाया है। आगे जाके हम इन्वर्टर के बारे में और भी बात करेंगे डिटेल के साथ, इसको मोटर के साथ लगाएंगे, इस पर कैसे प्रोग्राम डाला जाता है, यानी कैसे इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, यानी इसकी सेटिंग कैसी की जाती है, उसके बारे में आगे जाके आपको मैं डिटेल से बताऊँगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।